वहीं बदायूं में सपा नेता शिवपाल यादव ने कई थानों की पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को उठाने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि यहां के कई थानेदार चुनाव बाधित कराना चाहते हैं। कई लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं, तोड़फोड़ की गई है। सीधा सीधा लोगों से कहा गया है कि बूथ पर नहीं जाओगे, वोट नहीं डालोगे, एजेंट नहीं बनोगे। इनमें मूसा, झाक, बिनावर, कुंवर गांव, सहसवान, राजपुरा, वजीरगंज और सदर कोतवाल शामिल हैं। आरोप है कि ये थानेदार लगातार दबिश दे रहे हैं। करीब 40 लोगों को उठा लिया, इनमें 31 लोगों को धारा 151 के तहत चालान मूसा झाक थाने से किया गया है। शिवपाल ने आगे कहा कि ये सरकार का दबाव है, इनका जनाधार सक गया है, पहले भी शिकायत की है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज दिल्ली और लखनऊ में हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगा। डीएमओ और एसएसपी से हम भी शिकायत करने आए हैं। कप्तान साहब को रात 2 बजे जगाया, इन थानेदारों का सीयूजी नंबर बंद था। जब प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों का फोन नहीं उठेगा तो क्या फायदा। भाजपा साफ होने जा रही है, हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। परेशानी जरूर होगी, थाने थाने जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे।